मुकमेलपुर गांव में विकास भारतीय नाम के शख्स ने गौ कास्ट का प्लांट लगाया हुआ है। यहां पर गाय के गोबर से लकड़ियां बनाई जाती हैं। इस गौ कास्ट की काफी तारीफ हुई थी क्योंकि इससे पेड़ों को काटना कम हो गया। जहां पेड़ों की लकड़ी की जरूरत पड़ती थी वहां गाय के गोबर से बनी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर कई प्रोडक्ट और शुरू किए गए हैं जिनमें केंचुआ खाद के अलावा गाय के गोबर से धूप तैयार की जाती है। धूप के अलावा यहाँ पर हवन समीधा के साथ साथ बीज से पौधे उगाने के लिए छोटे पॉट भी तैयार किए जाते हैं जिसमें बीज से पौधे उगाए जाते हैं। पौधे उगाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। उसकी जगह पर यहाँ गाय के गोबर के बने पॉट होंगे तो पर्यावरण अनुकूल होगा, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और प्लास्टिक का प्रयोग कम होगा। इससे पौधों को बढ़त भी अच्छी और ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से कई प्रोडक्ट विकास भारतीय ने इस प्लांट में बनाना शुरू किया है। आपको बता दें कि इस तरह के प्लांट देश में कई जगह चल रहे हैं। विकास भारती ने कहा कि गाय एक ऐसा प्राणी है, यदि वह दूध नहीं दे रहा तो आप उसके गोबर से और आदि से प्रोडक्ट बनेंगे, उससे भी आप अपना खर्चा निकाल सकेंगे। मैं विकास भारतीय मुखमेलपुर में हरित भू सॉल्यूशन के अंडर गाय के गोबर के उत्पाद बनवाता हूँ, जिसमें 6 से 7 प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो चुके हैं और कमिंग टाइम में ये 2 से 3 बड़े प्रोडक्ट हैं जो और लॉन्च करने वाला हूँ मैं। अभी जो लॉन्च किए जा चुके हैं उसमें सबसे पहले गोकास्ट है, गाय के गोबर की लकड़ी जिनको बोला जाता है, दूसरा केचुआ खाद है, तीसरा टिक्की है, गाय के गोबर से टिक्की जिसे हम धुनी कर सकते हैं, धुनी कप हैं गाय के गोबर से बने हुए, धूपबत्ती है और हवन समीधा है जो हम हवन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक गो पौध है जिसको हम नॉर्मली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम जर्मिनेट करने के लिए जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक जर्मिनेशन पॉट बनाया है, 5 से 6 इंच का है। उसमें कोई भी अगर जो बीज डालते हैं तो उससे उसको जर्मिनेट किया जा सकता है और उसके बाद डायरेक्ट गमले में या हम खेत में उसको लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा जो काली पन्नी हम यूज़ करते हैं जर्मिनेट करने के लिए, उस पॉलीथीन को हम का यूज़ होना कम हो जाएगा उससे। देखिए, उन गोपालकों को मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि गाय एक ऐसा प्राणी है कि वो चाहे दूध दे या ना दे, लेकिन अपने खर्चे लायक अपना गुजारा करने के लिए वो आपको दे सकता है। जैसे उसका गाय गौमूत्र है, गोबर है, उसके अगर जो हम उत्पाद बनाने शुरू करें, गौमूत्र के लिए कैंसर तक को हील किया जा सकता है।